आरोपी के हत्यारे पुलिस हिरासत में। स्थानीय अपराध शाखा एवं नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाहपुर में की थी कुख्यात आरोपी की हत्या। 22 दिनों में खोज निकाला अपराधियों को। 25 अक्टूबर को दशहरे के पर्व पर कुख्यात आरोपी शाहपुर निवासी सुधाकर रामटेके की धारदार शस्त्र से वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक ये नागपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, किंतु कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव के चलते वो छुट्टियों पर अपने गांव शाहपुर आया था, जहां पान टपरे चलाकर जीवन यापन कर रहा था। इस दौरान वो परिसर में दहशत फैलाने का भी काम किया करता था। एक दिन आरोपी सोनी करुण मेशराम उम्र 19 वर्ष के साथ उसका मामूली वजह पर झगड़ा हुआ। इस बीच सुधाकर ने सोनी को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसी वजह के चलते सोनी ने अपने चाचा के बेटे अभिषेक प्रमोद मिश्रा उम्र 21 वर्ष के साथ मिलकर 23 अक्टूबर की रात सुधाकर को जान से मारने का षड्यंत्र रच लिया और 25 अक्टूबर की सुबह 1:30 के दौरान मृतक के साथ उसके पान टपरे पर नशा किया और मौका देख सुधाकर को धारदार शस्त्र से घायल कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने तत्काल घटना स्थल को भेंट देकर भंडारा स्थानीय अपराध शाखा एवं पुलिस स्टेशन के 4 टीम का चयन कर इस मामले की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए। तत्काल उक्त बैठक में दिन रात इस मामले में गहनता से जांच कर आरोपी सोनिक मेश्राम और उसके चाचा का बेटा अभिषेक मेश्राम को धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों ने मृतक की हत्या करने के आरोप को कबूला और इस घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार शस्त्र को नष्ट करने की बात कही। इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उप विभागीय पुलिस अधिकारी तुकाराम काटे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा भंडारा के पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान और उनके पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे, पुलिस उपनिरीक्षक सुनील उइके, पुलिस हवलदार तुलसीदास मोहरकर, पुलिस सिपाही प्रदीप डहारे, किशोर मिश्राम, अमोल खराबे, पुलिस सिपाही शैलेश बेदुरकर, ईश्वर दत्ता मड़ावी, पंकज भित्रे, सचिन देशमुख के साथ ही जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के थानेदार, सहायक पुलिस निरीक्षक बारसे व पुलिस स्टाफ जिसमें पुलिस हवलदार मिलिंद जनबंधु, पुलिस नायक बलिराम उइके व अन्य ने की है और इस कार्रवाई की सराहना नागरिकों द्वारा की जा रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।